प्रशासन द्वारा रामगंगा नदी के क्षेत्र में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत प्रशासन की टीम ने चक्कर की मिलक क्षेत्र में रामगंगा के किनारे पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। जिन लोगों के अवैध मकान तोड़े गए थे वह लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया। मैं तहसील स्कूल पर रहती हूँ, किराए पर, अगीम जी के फाटक में। क्या शिकायत है? 6 साल पहले मैंने रजिस्ट्री कराई थी, वो जगह ली थी यहाँ पे चक्कर के मिलक पर। 6 साल में बस मैंने इतना 8-8 फुट की दीवारें और मेरा गेट लगा हुआ था, कोई सूचना नहीं दी, कुछ नहीं दी। कल वहाँ बुलडोजर चलाया गया, हमें वहाँ किसी मोहल्ले के बंदे ने फोन करके सूचना दी कि बाची आपका ऐसे तो मकान को डरा है। वो मैं जाकर देखी तो उन्होंने जब मुझे देखा तो पूरी बुनियाद धक्की ला दी और डंडे मार के लेडीज पुलिस ने हटाया अलग। मैंने उनसे जब कोई बदतमीजी नहीं की थी, मैं खुद बदतमीजी नहीं चाहती किसी भी प्रशासन के सामने। 6 साल हो गए मेरे रजिस्ट्री को, अगर वहाँ का आवेदन है तो रजिस्ट्री क्यों कर रही है सरकार? मैं ये चाहती हूँ, जब से मैंने वो सवाल है, मैं किराए पर रहती हूँ, मैंने नौकरी कर करके पैसा जोड़ा था और आप मेरे विभाग से मालूम कर सकते हैं कितने साल से मैं नौकरी करती हूँ। मेरे भाई हो गए, अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ, मैंने शादी नहीं किया। आज आप किससे मिले थे? डीएम साहब के पास आई थी मैं। मेरे ये चाहती हूँ कि मेरा जो वहाँ किराया जगह उसका मुझे मुआवजा चाहिए और मेरी ज़मीन वहाँ पे बरकरार रहना चाहिए। जितनी बनी हुई थी मुझे इतनी बना के तो दें कम से कम। मैंने उसे पैसा लगाया था, बहुत मेहनत का पैसा लगाया था। कहाँ से आई आप, क्या शिकायत है? चक्कर की मिलक से मैं ये शिकायत है, 40 साल होगा किराए पर रहते हुए, 6 बेटियाँ हैं मेरी। अब वो बेटियाँ मेरी ऐसी दरार किराए पे रहती, फिर आपको पता कैसा माहौल है इस वक्त का ख़राब। मैंने लड़की का रिश्ता कर दिया था काशीपुर में, 6 महीने की शादी थी, बोली अम्मी हमें यहाँ अम्मी घर बना लो, हमसे किराए पे रह रहे हैं, जगह जगह माहौल ख़राब है, अपने घर में पड़े रहेंगे। मैंने 4.5 लाख रुपया उसमें, 2 लाख 6 लाख रुपया मैंने उसमें लगा दिया, लिंटर उंटर सब पड़वा दिया मैंने उसमें। बोली अम्मी शादी चाहे रुक के हो जाएगी, घर बना लो, किराए पर रहते फिर हमें रहने नहीं देते मकानदार। मैंने कहूँ नौकरी कर, मेरी बच्चियों ने काम करा कोठियों में, मैंने करा, और जहाँ पे करते हैं तो उनकी गवाही ले लो, सारा पैसा कर्जे में लेके मैंने घर बनाया था, 3 महीने हो गए बनते हुए। कल भी मैं काम पे थी, मुझे तो पता नहीं, बच्ची रोती हुई गई और बोली अम्मी हमारे बुलडोजर चला दिया, घर तोड़ दिया था, मेरे लोने का रिश्ता भी ख़त्म हो गया, घर भी लूट गया। रजिस्ट्री अभी करवाई को 6-7 महीने हुए मुझे, अभी तो मेरे जगली 1-2 साल हो गए, रजिस्ट्री अभी करवाई कुछ 6-7 महीनों हो गए। डीएम साहब से मांग करना चाहती हूँ, जो मेरा लूटा है वो मुझे वापिस दिलवा दे, ना तो मेरी 6 लौंडियों को मार दे, मुझे भी मार दे जान से, हम बताम कहाँ पड़ेंगे। मेरी लौंडिया का तो रिश्ता भी टूटा, मेरा घर भी लूटा। इन लोगों ने जिला अधिकारी से मिलकर इस मामले में जाँच कराने जाने की मांग करी। जिला अधिकारी ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही एक टीम गठित करके मामले की जांच कराई जाएगी। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई में सिंचाई विभाग की 7000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। देखिए, अभी एक प्रत्यावेदन आज दिया गया है, जो चक्कर की मिल मुबारकपुर थाना सिविल लाइन से रिलेटेड मामला है। इसमें इन्होंने अपने कुछ बिंदु रखे हैं, जो बिंदु रखे हैं इसका परीक्षण करा लिया जाएगा एक टीम बना करके, और जो भी विधि संगत कार्रवाई है वही अमल में लाई जाएगी, हम आपको आश्वस्त करेंगे। इसके लिए कोई टीम गठित की? हाँ, टीम गठित की जा रही है, अभी चूँकि अभी विज्ञापन दिए हैं, उसके लिए जांच करवा ली जाएगी कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं किस सीमा तक सही हैं, या वो बातें पूर्णतया सही हैं या नहीं।